हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चॉकलेट्स एंड मोर विद श्रुति। आज के वीडियो में मैं आपको चॉकलेट्स रैपिंग के बारे में बताऊंगी। एक बेसिक सा छोटा सा वीडियो है जो मैं रैपिंग के लिए बताऊंगी। तो ये मेरे पास तीन तरह की चॉकलेट है। इसमें ये वाली जो है गनाश फिल्ड सेंटर फिल्ड चॉकलेट है, ये है राइस क्रिस्पी वाली चॉकलेट, और ये प्लेन चॉकलेट है जिसमें ऊपर डिज़ाइन है। तो ये चॉकलेट्स में रैप करना बताऊंगी, और रैपिंग के लिए मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ये फॉइल के रैपिंग पेपर लिए हैं। ये बहुत ही पतले फॉइल के पेपर हैं, और ये दो डिज़ाइन में मैंने लिया है। एक आप देख सकते हैं गोल्डन कलर का है, और एक ये सिल्वर कलर का है। ये भी बिल्कुल बेसिक फॉइल है जैसा हम लोग एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करते हैं। और इसके अलावा मैंने जो तीसरे तरह का यूज़ किया है वो है ये बेसिकली जैसे हम लोग गिफ्ट रैपिंग पेपर यूज़ करते हैं ये वो है, लेकिन इसकी पोटली बनाते हैं। तो पोटली बनाने के लिए मैंने ये मैं यूज़ करूँगी। इसको हम ट्विस्ट टाई कहते हैं, और ये इस तरह से पैक में आती है। इसमें बीच में तार होता है, और ये ऊपर से इसमें पन्नी लगी रहती है, तो अलग अलग कलर की आती है। ये ब्लू कलर की है, तो इसकी मैं मदद से इसको टाई करूँगी, पोटली जैसा बनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो दो छोटे तरह के हैं, ये वाले छोटे हैं प्लेन वाले, तो इनको मैं सबसे छोटे वाले फॉइल में यूज़ करूँगी। और जो ये गोल्डन कलर वाला फॉइल है ये इस वाले के लिए है, और जो ये सेंटर फिल्ड है क्योंकि ये चॉकलेट थोड़ा सा थिक है तो इसके लिए मैं पोटली वाला यूज़ करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने एक सिल्वर फॉइल लिया है। अब मैं इसमें ये वाली चॉकलेट लूंगी और इसको ऐसे रख लूंगी, और जैसे फॉइल रैप करते हैं आप उस तरह से आप इसको रैप कर देंगे, और ये पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा, ये अच्छे से चिपक जाएगा इस तरह से। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हैंडलिंग नहीं करनी है, नहीं तो चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। सिंपल ऐसे आपको पैक कर देना। इसी तरह से हम दूसरे में भी करेंगे। ये चॉकलेट मैंने लिया फेस डाउन, मतलब जहाँ स्टार है इसको मैंने नीचे रख दिया, और जैसे हम नॉर्मली रैप करते हैं कोई चीज़ फॉइल से उस तरह से हम इसे रैप कर देंगे। इसका शेप बस दिखना चाहिए इस तरह से कि ये इस तरह से है चॉकलेट, और ये रेडी हो गई। इसी तरह से हम सारी रैप कर देंगे। अब हम गोल्डन रैपर यूज़ करेंगे ये वाला, और जो मैंने बताया था कि राइस क्रिस्पी वाली जो चॉकलेट है उसको मैं रैप करूंगी। तो मैं एक चॉकलेट लूंगी फेस डाउन, और चारों तरफ से इसको ऐसे करके रैप कर दूंगी। इसमें आप देख सकते हैं इसकी उभरी हुई डिजाइन भी दिख रही है। ये कागज थोड़ा बड़ा है, मैंने जो कट किया है ये कागज थोड़ा बड़ा है। आप इसको थोड़ा और छोटा करके भी रैप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ चॉकलेट। तो ये देखिए ऐसे रैप हो गया। एक बार और दिखाती हूँ। ये मैंने गोल्डन रैपर लिया है, चॉकलेट लिया, चॉकलेट को उल्टा करके डिज़ाइन नीचे की तरफ करके और इसको लपेट दिया, ऊपर की तरफ इसमें डिज़ाइन आ गई। इस तरह से। अब जो सेंटर फिल्ड चॉकलेट है इनके लिए मैंने अलग तरीका यूज़ करूँगी। मैं ये पोटली बनाऊँगी इस वाले रैपर से। तो इसको ऐसे पकड़ेंगे हाथ में, इसको यहाँ रखेंगे, और इसमें डिज़ाइन ऊपर की तरफ रहेगी, डिज़ाइन नीचे नहीं रहेगी।
डिज़ाइन ऊपर की तरफ रहेगी और इसको मैं धीरे 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 करके ऐसे ऊपर की तरफ समेट लूँगी। यूज़ करूँगी ट्विस्ट आई। और ऐसे पकड़ के इसको ऐसे लपेटती हूँ, ये बंद गया। एक बार फिर बताते हैं, ये रैपर ले लिया, चॉकलेट रखा, डिज़ाइन ऊपर की तरफ, पीछे की नीचे की तरफ नहीं, इसमें ऊपर की तरफ रखेंगे और ऐसे करके समेट लेंगे इसको ऊपर से, और इसकी एक छोटी सी पोटली बना लेंगे हाथ से। ट्विस्ट टाई लेंगे हाथ में और इसको इस तरह से टाइटली लपेट देंगे और ऐसे इसको ट्विस्ट कर देंगे। ये बिल्कुल अच्छे से पैक हो गई है। इसी तरह से मैं पहले सारी अपनी चॉकलेट्स को रैप कर देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि मैं इसको पैकिंग कैसे करूँगी इसकी। तो मैंने ये चॉकलेट सारी रैप कर ली हैं और अब मैं इनको पैकिंग करना बताऊँगी। तो पैकिंग के लिए मैंने ये 3 डब्बे लिए हैं जिनमें मैं पैकिंग कर सकती हूँ। तो एक ये है बॉक्स, इस तरह की डिज़ाइन है, सिंपल बेसिक एकदम। एक इस तरह का है, थोड़ा सा फैंसी टाइप ऑफ बॉक्स है और इसमें यहाँ पे रिबन लगा है, तो रिबन से आप बांध भी सकते हैं। और एक मैंने लिया है ये कांच की शीशी, और ये भी बहुत एक अच्छा तरीका है जिसमें आप अपनी चॉकलेट्स रैप करके दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सबसे पहली चीज़ मैं रखूँगी वो ये, मैंने ये मंगाया था, ये कुछ आई थिंक ये कुछ घास जैसा है जिसको इन्होंने कलर कर दिया है, और इसको मैं पहले बॉक्स के अंदर थोड़ा सा भर दूँगी। ये दोनों काम के लिए आता है, ये डेकोरेट करने के मीडियम से भी होता है और ये थोड़ा सा स्पेस को फिल करने के लिए भी होता है। मान लीजिए आपको ऑर्डर आया है 10 या 12 चॉकलेट का और आपको लग रहा है कि ये बॉक्स बहुत बड़ा है, तो आप इसमें ये फिल कर सकते हैं थोड़ा सा नीचे, जिससे कि ये सुंदर भी लगेगा और इसको आप स्पेस भी बचा सकते हैं इसमें। तो इस तरह से मैं इसमें थोड़ा थोड़ा भर दूँगी, ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये स्पेस लेता है इस तरह से। अब मैं इसमें चॉकलेट भरूँगी। देखिए जो चॉकलेट अब आपको इसमें दिख रही है थोड़ी सी उभरी हुई दिख रही है और ये खाली खाली सा भी नहीं लग रहा है, इस तरह से इसमें भी भर देंगे हम। ये देखिए तो ये अभी काफी भरा भरा लग रहा है, और इसको इस वाले बॉक्स को आप इस तरह से बांध भी सकते हैं, इसमें बांधने के दिया हुआ है धागा, इस तरह से आप बांध के रख सकते हैं। ये ऐसे हो गया और इसमें भी आप ऐसे भर सकते हैं, इसमें तो ये तो छोटा सा ही है, इसमें ज्यादा भरने की फिलिंग भरने की जरूरत नहीं है, तो आप इसमें ऐसे करके चॉकलेट्स भर सकते हैं। इसमें 10 चॉकलेट्स बहुत आराम से आ गई हैं और ये भरा भरा लग रहा है। अब आप इसमें अपने हिसाब से स्टिकर लगा के ये आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप जिस तरह से आप अपने चॉकलेट को पैक करके दे सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं। और मैं इसमें अपना कार्ड भी लगा दूंगी, आप रख सकते हैं या यहाँ पर चिपका सकते हैं, क्योंकि ये आपका क्रिएशन है तो आप इसमें अपना कार्ड भी एक डाल सकते हैं और इसमें आप स्टिक कर सकते हैं ऊपर। तो इस तरह से आपका ये पैक
चॉकलेट का रेडी हो गया है, जो आप गिफ्टिंग पर्पज से रख सकते हैं। काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिएगा। आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाइएगा। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।